Hello everyone. In this lesson, we are continuing our exercise of 4.1, in which up to the question number 2 we have discussed in the previous video. And now I am going to start from third question of the exercise 4.1, which is based on the graphical solution for the linear equations in two variables. So let's start. Our third question is, solve the following pair of the linear equations graphically and find the coordinates of that point where line intersected by y axis. चलिए हमें जो भी equations दे रखी हैं, there are two part of this question. First part I am selecting 2x minus 5y is equals to 4. Let's suppose it is the equation number first. Plus 4 is equals to 0, sorry. And second is 2x plus y minus 8 is equals to 0, and it is the equation number second. Clear? Now select both of the equation one by one. First of all, I am taking from equation first, right as it is, जो भी है. Now from here calculate the value of any variable, either x or y. I am calculating value of x. 2x is equals to 5y minus 4, or we can say that x is equals to 5y minus 4 upon 2, and assume it is the equation number third. Is it clear? Next, now create a table for this equation in which y is independent variable and x is dependent variable. So substitute the value of y in such a way that the result of the numerator will be divided by the denominator. तो मैं y की क्या वैल्यू रख लूं? Let's suppose I am selecting y is equals to 2, then 5 2s are 10, 10 minus 4. या सबसे पहले 0 अप्लाई करते हैं. If y is equals to 0, then x will become 5 into 0, 0. 0 minus 4 is minus 4 upon 2 is minus 2. Clear? Next, if y is equals to 2, then x will become 5 2 is 10, 10 minus 4 is 6, 6 upon 2 is 3. Second, last, y is equals to, ध्यान से देखो, ये एक इवन प्रोसीजर चल रहा है, तो अपन यहां पे इवन नंबर अप्लाई करेंगे. 5 4 is 20, एक काम करते हैं, 5 2 is 10, माइनस में वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि 8 आ रहा है, 8 थोड़ा बड़ा हो जाएगा इनसे. y की वैल्यू, यदि अपन y की वैल्यू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी, जो कि थोड़ी सी बड़ी है, तो अपन माइनस में वैल्यू रख लेते, जिससे कि अपनी ये वैल्यू क्लोजर रहे एक दूसरे के. लेट सपोज y इज इक्वल्स टू माइनस 2 रखा, देन x विल बिकम 5 2 जा 10, माइनस 10, माइनस 10 एंड माइनस 4, माइनस 14 अपॉन 2 इज माइनस 7. फिर तो वही ठीक था, 4 ही रख लो, क्योंकि ये 7 तक तो ये भी जा रहा है. 5 4 जा 20, माइनस 4 इज 16, 16 अपॉन 2 इज 8. तो 7 और 8 में तो कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस 7 भी अपने आप में काफ़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी. अब इससे टेबल क्रिएट कर लो, टू रोज एंड थ्री कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम x एंड y, इफ y इज 0 देन x इज माइनस 2, y इज 2 एंड x इज 3, y इज 4, x इज 8, isn't it? Now select the next equation, equation number second. From equation second,
यहां से जो भी है 2x plus y minus 8 is equals to 0, और वी कैन से दैट y is equals to 8 minus 2x. इट इज द इक्वेशन नंबर 4th. एग्री? नाउ हियर x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट, और हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अप्लाई करते हैं, रिजल्ट हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का मिलेगा. तो स्टार्ट करते हैं. इफ x इज इक्वल टू जीरो, ध्यान देना x इज जीरो, देन y इज 8. क्लियर? इफ x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू, यहां पे देन लिख देना, y इज इक्वल टू 6. एंड लास्ट इफ x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 4. एग्री? अगेन क्रिएट अनदर टेबल फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन और द इक्वेशन नंबर 2. इट इज x एंड दिस इज y. इफ x इज 0, देन y इज 8. x इज 1, देन y इज 6. x इज 2, देन y इज 4. नाउ प्लॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ए ग्राफ और द कार्टेशियन सिस्टम, और ये आपको करना है ग्राफ पेपर में. x एक्सिस, y डैश, x डैश एंड y. स्केल भी लिखना है, बट बिफोर द स्केल वी हैव टू मेंशन कोऑर्डिनेट्स ऑन द नंबर लाइंस और द एक्सिस. तो ये हुआ अपना ओरिजिन पॉइंट ओ 0,0. अक्स की मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और मैं 9 तक कंसिडर कर रहा हूं. गॉट इट? एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y इज अगेन 8. 1, 2, 3, 4 और यहां पे मान लो 9 है. गॉट इट? एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ x इज -2. तो x यहां पे -1, -2 एंड -3. y के माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप एक पॉइंट मेंशन कर दें बस, और बाकी नहीं करना चाहे तो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू. अब देखो स्केल में अपन ने क्या लिया, ये 1 सेंटीमीटर होता है, इस पर सभी का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट है. तो ऑन x एक्सिस वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. सिमिलरली ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ग्राफ, क्योंकि जब भी अपन ग्राफ कोई मैप डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली उसमें स्केल जरूर होगा. अब देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपना है -2,0. एक्स इज -2 एंड वाई इज 0, जो कि यही हो जाएगा -2,0. नेक्स्ट एक्स इज 3, वाई इज 2. एक्स इज 3 एंड वाई इज 2 अप्रोक्सीमेटली हियर 3,2. ये ना भी करोगे तो भी चलेगा, पॉइंट कर दो बस. एक्स इज 8 एंड वाई इज 4. एक्स इज 8 ये रहा और वाई इज 4 यहां से, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहां मान लेते हैं अपन. ठीक है, थोड़ा सा ये यहां हो जाएगा 8,4. और ये पॉइंट भी दे दो, ये पॉइंट है मान लो ए, ये नीचे लिख देते हैं थोड़ा यहां पे ए -2,0. दिस इज बी एंड दिस इज द पॉइंट सी. नाउ जॉइन दिस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ध्यान रखना यदि कोई पॉइंट कंसिडर स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके किसी पॉइंट में कोई ना कोई मिस्टेक जरूर है. तो वापस चेक करें आप उस सिचुएशन में. और ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है वो किस इक्वेशन से बनी है? फर्स्ट इक्वेशन से. देन 2x -5y + 4 = 0.
गॉट इट। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं, x इज जीरो एंड y इज एट, तो ये यही हो जाएगा 0.8, और ये पॉइंट ले लेते हैं अपन P ले लिया, ठीक है। x इज 1 एंड y इज 6, 1 एंड 6 ये यहां आ जाएगा, थर्ड है x इज 2 एंड y इज 4, x इज 2 एंड y इज 4, नाउ जॉइन दिस, तो ये रहा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। अब वैसे तो ये पता नहीं चल रहा कि ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है या फिर नीचे हुआ, तो मैं एक बार इस पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूँ। यदि आप ग्राफ में प्लॉटिंग करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यू मान लो, ठीक है। ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया आपका Q, और थर्ड पॉइंट कौन सा था, 2.4 था ना, यहाँ पे ये हो गया R, ठीक है यहाँ तक। अब अपन छोटी सी एक लैंग्वेज और मेंशन कर लेते हैं, फ्रॉम अबव ग्राफ इट इज क्लियर दैट बोथ द एक्सिस, बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 3, एट पॉइंट B, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B 3, 2, सो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2, क्लियर है। तो ये तो अपना इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे टोटली, अब हमें ये पॉइंट भी बताने हैं जहां पर राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एट विच दीज लाइंस कट्स, दीज लाइंस कट x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, ये जो लाइन है वो y एक्सिस को कट करें, वो पॉइंट हमें और बताने। तो एक तो y एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और दूसरा देखो यहाँ हो रहा है, और इसको मैं बोल देता हूँ कोई एक पॉइंट ले लिया, कुछ भी ले लिया, d ले लिया चलो, और इसके कोऑर्डिनेट देखो y, तो इस अक्ष तो इसके ऊपर जीरो होगा, और y की वैल्यू देखो ये 1 से थोड़ा सा कम है, तो 0.8 के अप्रोक्सीमेटली होगा ये, ठीक है। अब इसके लिए भी लैंग्वेज लिखेंगे, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच दीज लाइंस कट x एक्सिस आर क्या क्या होंगे, एक तो हो गया P 0.8, सेकेंड D 0.8, ओके स्टूडेंट। सो इट इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड इन विच वी हैव सॉल्व द पार्ट फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस, सो प्लीज पॉज दिस एंड नोट इट डाउन। Let's proceed on the next question, question number fourth. Some part I am lefting for you. You will try to solve yourself. And now I am starting the next fourth question, which is solve the following pair of linear equations graphically and find the coordinates of the triangle so formed with the y-axis and the lines. Means what we have to do here, two equations are given, these are linear equations in two variables. First is 4x minus 5y is equals to 20. Language likhna chahta to likh do given equations and assume it is the equation number first. Second is 3x plus 5y is equals to 15. It is the second equation, and what we have to do, first of all we will try to calculate the result or the solution of this these equations using the graphical method, and after it we will mention the coordinates of the vertices of a triangle which is formed by these lines and y-axis. मतलब हमें क्या करना है कि पहले तो इसका solution जो भी है हमें calculate कर देना है, उसके बाद में एक ट्रायंगल बनेगा अपने कार्टेशियन सिस्टम में इन दोनों लाइंस से और एक वाई एक्सिस से, जो भी एक ट्रायंगल बनेगा हमें बस उसके कोऑर्डिनेट मेंशन करने हैं। जनरली क्या होता है एग्जामिनेशन में, हम इसका सॉल्यूशन करके छोड़ देते हैं और वो क्वेश्चन एग्जामिनर पे बेस्ड होता है, वो इसमें 4 मार्क्स करता है या फिर 5 मार्क्स, तो टोटली 6 मार्क्स अचीव करने के लिए हमें क्वेश्चन को केयरफुली स्टडी करना है, एंड द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस।
अब क्वेश्चन के एंड तक जाओ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन पूछा गया, तो ठीक है यहां तक हुआ। उसके बाद में एक ट्रायंगल, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट मेंशन करने में कौन सा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको स्किप कर जाते हैं, क्योंकि अपन ने स्टेबिलिटी कहां तक दी अपने माइंड में, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक हमने वो चीज स्टेब्लिश ही नहीं की हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या, अपने क्वेश्चन के पार्ट्स कितने हैं, हमने वो जज ही नहीं किया। तो पहले क्वेश्चन को केयरफुली स्टडी करें, जो भी आपको पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करते रहें, और क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट फुल स्टॉप तक जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसको स्किप ना करें, मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सिंप्लीफाई करने नहीं पहुंचे। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ आई एम सेलेक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट विच इज 4x minus 5y is equals to 20. In this equation, I think the divisibility rule is more, the divisibility rule of 5 is easier than 4. तो मैं यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूंगा, 5y को इधर ले लो, 20 को इधर ले लो, तो क्या बनेगा, 4x minus 20 is equals to 5y. And from here, y will become 4x minus 20 upon 5. Assume it is the equation number 3rd. Now apply 3 values of this independent variable of x. तो मैं सबसे पहले x में if x is equals to क्या रखे कि result 5 से divide हो जाए, 0 रख दो, ये 0 बनेगा, ये minus 20 होगा, तो minus 20 तो 5 से divisible है. If x is equals to 0 then y will become 0 minus 20 is minus 4, क्योंकि minus 20 5 से divide होगा तो minus 4 आएगा. Second statement, if x is equals to क्या लें, कुछ ऐसी value लो जिससे कि ये divide हो, 5 4 जब 5 ही ले लो x की value, 5 4 जब 20, 20 minus 20 is 0, then y is equals to 0 ही बनेगा, clear बात यहां तक. अब और क्या लें, कुछ x की वैल्यू 5 4 जो 20, इफ x इज इक्वल्स टू माइनस 5 करें क्या, माइनस 5 कर दो, x इज माइनस 5 देन माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 40 अपॉन 5 इज माइनस 8, तो ये y की वैल्यू हो गई आपकी माइनस 8. नाउ जनरेट ए टेबल, If x is 0, y is minus 4. X is 4, y is 0. X is minus 5, and then y is minus 8. Clear? Now select the next equation, equation number 2nd. From equation 2nd, which is 3x plus 5y is equals to 15. Again, from here, I am calculating the value of y, because in these both, divisibility rule of 5 is easier than 3. Or we can say that y will become 15 minus 3x upon 5. It is the equation number 4th. Again, follow the same procedure. X ki kya value rakhi hai? If x is equal to, देखो जीरो पे वैल्यू मिल जाएगी एक, तो then y is equals to 300 बनाइए, तो 15 minus 0 is 15 upon 5 is 3. Second, if x is equals to, अब क्या रखें, x की वैल्यू 5 रख दो, 15 minus 15 बन जाएगा, x is 5, then y is equals to, ये कितना बना 15, 15 माइनस 15 0 अपॉन 5 इज 0. थर्ड, इफ x की वैल्यू माइनस 5 फोर कर दो, माइनस माइनस 15 ये बनेगा, माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 15 इज 30, 30 अपॉन 5 इज 6, देन y इज 6. नाउ अगेन नेक्स्ट टेबल इन विच 2 रोज एंड 3
columns x and y. X is 0, second 5, and third minus 5. 0, 5, minus 5. 3, 0, 5, 6. 3, 0, 6. जिस ऑर्डर में आप उसी ऑर्डर में इनको सेलेक्ट करें, अदरवाइज ये लेफ्ट ये राइट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा. हाँ, यदि कंप्लीट इसको आप इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन जीरो के नीचे थ्री ही होना चाहिए. जीरो के नीचे जीरो पॉसिबल नहीं होगा. क्लियर? नाउ कार्टेशियन सिस्टम मींस अप्लॉटिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डेस एक्सिस एंड वाई डेस एक्सिस. First of all, write the scale and before it mention the points on the x-axis and y-axis. देखो x पे maximum value क्या है, 5 है, तो मैं 6 तक priority दूंगा. ये origin point हुआ 1, 2 and 6, got it? And in the y maximum positive value is 6, तो मैं 7 तक priority देना चाहूंगा 1, 2, 7. आपके पास ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं. वाई एक्स इज मिनिमम माइनस फाइव, माइनस सिक्स तक कंसीडर कर लेते हैं, माइनस वन, एंड फॉर द वाई, वाई मिनिमम माइनस एट, तो माइनस नाइन तक ले जाओ. ठीक, या फिर अपने काम करते हैं, ये जो पॉइंट्स है अपने थोड़ा स्केल चेंज करते हैं. वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस एक एक्सपेरिमेंट ही करना चाह रहा हूं. अपन एक स्केल चेंज कर लेते हैं. इसके लिए स्केल का मतलब ये हुआ कि अपन अभी तो क्या ले रहे थे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं कि तो ये अपना हुआ कार्टेशियन सिस्टम एक्स एक्सिस एक्स डैश y and y dash. Clear? And this is origin point O. और हमने यहाँ पे स्केल चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको 2 यूनिट ले लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर. 2, 4, 6 and 8, माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6 एंड माइनस 8. 2, 4, 6, 8, माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6 एंड माइनस 8. स्केल क्या हो जाएगी अपनी, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. क्लियर है? अब ये हमें प्लॉट कर देना है. 0 पे माइनस 4, 4 पे 0 कैसे आए, 4, 4 जा तो 16 हुआ ना. सॉरी, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, 5, 4 जा 20, तो ये 5 आएगा. ठीक है, ये शायद मिस्टेक हुई थी अपने से, चलो इंप्रूव हुई. अब देखो, एक्स इज 0, देन वाई इज माइनस 4, तो ये पॉइंट यहां पे आएगा. ए एक्स इज 0, वाई इज माइनस 4. एक्स इज 5, वाई 0, तो 5 यहां पे होगा, 4 और 6 के बीच में, 5, 0, assume it is the point B. And third x is minus 5, जो कि approximately यहाँ पे होगा, and minus 8, तो ये यहाँ पे है, ज़्यादा ये लो, minus 5, minus 8, it is the point C. Now join these points, and it is a straight line of the equation 4x, first equation से बनी है ना ये, 4x minus 5y is equals to 20. Clear? Now draw a line for this system also. X is 0, y is 3, जो कि यहाँ पे होगा, 0, 3, और इसको point P बोल दूँ मैं, कोई problem नहीं. X is 5, तो ये तो same ही हो गया, B रह जाएगा. X is minus 5, y is 6, minus 5 and 6, तो ये यहाँ पे आएगा approximately. कोई आइडिया नहीं लग पा रहा वैसे बोर्ड पे ही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. नाउ ज्वाइन दिस
and produced. This is a line of equation second, which is 3x plus 5y is equals to 50. What it? अब हमें पहला काम तो अपना क्या था, what is the solution? From above the graph, it is clear that both the lines are intersecting at point B and the coordinates of point B are 5, 0. You will mention this line here. क्या लिखना है आपको? From the above graph, it is clear that both the lines are intersecting at point B or and coordinate of these this points this point are 5, 0. So therefore, x is equals to 5 and y is equals to 0. And we have completed the first part of this question. Now let's proceed on the second part. Second part mein kya tha? Write the coordinate of the triangle which is formed by both the lines and y-axis. So write again the language, the coordinates of triangle of vertices, sorry, of triangle. अब इससे कौन सा ट्राइंगल बना है? पी बी ए या ए बी पी लिख रहा हूं, ए बी पी. द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी पी फॉर्म्ड बाय बोथ द लाइंस एंड वाई एक्सिस आर. क्या क्या होंगे? ए के लिए तो अपन क्या बोल सकते हैं? 0, 4, 0, -4 एंड बी इज 5, 0 एंड सी इज 0, 3. नाउ वी हैव सॉल्व द फुल ऑफ द क्वेश्चन एंड बोथ द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 4.1. I hope you understood the process. This one question also. So please stand, pause the video and note it down. And in the next video, we will continue our chapter number 4th from the exercise 4.2, which is based on the inequalities. 4.1 was based on equations, linear equations, and the 4.2 based on the inequalities, or we can say that inequalities. Okay, student. So thanks for watching it.